हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में 2021-22 के साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड स्पेस के टॉप 100 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें DRDO, इसरो, IITs एंड मिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले DRDO के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, व्हीलर आइलैंड से। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट, इसको सक्सेसफुली लॉन्च करा है DRDO ने। कहाँ से लॉन्च करा है? तो व्हीलर आइलैंड से। और व्हीलर आइलैंड को हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो इस टॉर्पीडो को डेवलप करा है DRDO ने फॉर इंडियन नेवी, ठीक है। तो टॉर्पीडोज होता क्या है? तो ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन से यानी कि स्वचालित हथियार जो अंडर वाटर ट्रेवल करके टारगेट जैसे कि सबमरीन को हिट कर सकता है। तो मिसाइल भी कई तरह के होते हैं, तो इनमें से एक है सबसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड से कम होता है। दूसरा है सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि सबसोनिक मिसाइल एंड हाइपरसोनिक मिसाइल के बीच में आते हैं। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता है। और तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 times ज़्यादा होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P यानी कि अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जिसको हम व्हीलर आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो अग्नि P यानी कि प्राइम, ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये अग्नि सीरीज का एडवांस वर्जन है जिसको डेवलप करा है DRDO ने। तो अग्नि सीरीज़ को देख लेते हैं। तो पहला है अग्नि 1, इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। दूसरा है अग्नि 2, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 एंड अग्नि 4, जिसकी रेंज है 2500 से लेके 3500 किलोमीटर तक का। एंड अग्नि 5, इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, DRDO के द्वारा। तो परलय, ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण DRDO ने करा है। कहाँ से? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा में स्थित है। और इस मिसाइल की रेंज है 500 किलोमीटर। क्वेश्चन है, DRDO किस देश के साथ इंडिजिनस स्टील फाइटर के लिए इंजन को डेवलप करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ। तो 125 किलो न्यूटन इंजन फॉर इंडिजिनस 5th generation एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के लिए इंजन को डेवलप किया जाएगा DRDO एंड सेफ्रान के द्वारा। तो सेफ्रान ये एक फ्रेंच इंजन मेकर है। अच्छा, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो रडार के डिटेक्शन से बाहर रहता है, यानी कि इसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो DRDO से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, निर्भय, ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको लॉन्च किया गया था चांदीपुर ओडिशा से, और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM है। आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन, ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको लॉन्च किया गया था ITR चांदीपुर से, जो कि ओडिशा में स्थित है। पिना का रॉकेट का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा ITR चांदीपुर से। 2DG यानी कि 2-deoxy-D-glucose, ये एक एंटी कोविड ड्रग है जिसको डेवलप कराया DRDO एंड डॉक्टर रेड्डी लैब ने। डिपकोवेन, ये एक COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है जिसको डेवलप कराया DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, हीट अभ्यास, हीट का फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका परीक्षण किया गया है DRDO ने फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा, ठीक है। SANT यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसका परीक्षण कराया DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ से परीक्षण कराया? तो राजस्थान के पोखरान से। INS ध्रुव, ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जिसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एंड DRDO ने। एडवांस साफ टेक्नोलॉजी, जो इंडियन एयरफोर्स जेट्स यानी कि जो भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है उसको मिसाइल अटैक से बचा सकता है, ये एडवांस साफ टेक्नोलॉजी जिसको डेवलप करा है DRDO ने।
तो ये कुछ वैक्सीन्स हैं। तो अभी इंडिया में टोटल 9 वैक्सीन्स है जिसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिला हुआ है। तो पहला है कोवैक्सीन, इसको बनाया है इंडिया के भारत बायोटेक ने। दूसरा है कोविशील्ड, इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है। स्पुतनिक 5 इसको रसिया ने डेवलप करा है, मॉडर्ना यूएसए का है जिसको सिप्ला इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया में। जॉनसन एंड जॉनसन ये यूएसए का वैक्सीन है और ये एक सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है, ठीक है। छठा है जायकोव डी, जिसको डेवलप करा है जायडस कडिला ने जो कि गुजरात में स्थित है, और ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड डीएनए कोविड 19 वैक्सीन है। सातवां है कोर्बेवैक्स, इसको डेवलप करा है बायोलॉजिकल ई ने जो कि हैदराबाद में स्थित है। आठवां है कोवोवैक्स, इसको बनाया यूएसए ने, ठीक है। और नौवां है स्पुतनिक लाइट कोविड 19 वैक्सीन, ये एक सिंगल डोज कोविड 19 वैक्सीन है जिसको डेवलप करा है रसिया ने। तो यहाँ पे कोवैक्सीन, जायकोव डी एंड कोर्बेवैक्स ये तीनों इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी है, ठीक है। तो इसरो के कुछ मिशंस को देख लेते हैं। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम एस सोमनाथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस को देख लेते हैं। तो आदित्य L1 ये इंडिया का पहला मिशन है जो सोलर यानी कि सन के एटमोसफेयर को स्टडी करेंगे, एंड इसको डिज़ाइन एंड डेवलप करा है इसरो ने, एंड इसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 ये एक रॉकेट है जिसको लॉन्च करेगा स्काई रूट एरो स्पेस, ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एंड इसको इसरो के मदद से लॉन्च किया जाएगा। अगला है विकास, ये एक क्रायोजेनिक इंजन है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट करा था इसरो ने फॉर गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किसको टेस्ट करा है, तो विकास क्रायोजेनिक इंजन को। नेक्स्ट है लूपेक्स, लूपेक्स यानी कि लूनर, जहाँ भी लूनर है तो वो मून से रिलेटेड है। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो एंड जाक्सा के द्वारा। जाक्सा ये जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है और इसको 2024 तक लॉन्च किए जाएंगे। अगला है इंस्पायर SAT-1 सेटेलाइट, इसको लॉन्च कराया इसरो ने, जिसको डेवलप करा था इंडिया, यूएसए, ताइवान एंड सिंगापुर ने। अगला है Amazonia-1, इसको लॉन्च करा था इसरो ने, और ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जिसको डेवलप करा था ब्राज़ील ने। Chandrayaan-2 2019 में लॉन्च किया गया था, एंड इसके लिए लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया था GSLV Mark 3, और इस मिशन के साथ लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रज्ञान रोवर है और ये विक्रम लैंडर है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, तो Chandrayaan-2 मिशन से। Chandrayaan-3 इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में इसरो के द्वारा। गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा और यह इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, और इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री को भेजेंगे, और एक फीमेल रोबोट को भी इसके साथ भेजा जाएगा जिसका नाम है वयोम मित्रा। अगला है निसार मिशन, निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये एक जॉइंट मिशन है नासा एंड इसरो का, और इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है Mangalyaan-2, ये एक मार्स मिशन है, इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अगला क्वेश्चन है EOS-04 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, इसको लॉन्च करा था इसरो ने फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसके लिए लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया था PSLV यानी कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 को। अगला है CMS-01, ये एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप करा है इसरो ने, एंड इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। GSAT-30 जो कि एक टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जिसको डेवलप करा है इसरो ने, और इसको भी लॉन्च 2022 में किया गया था। RESAT-2B यानी कि रडार इमेजिंग सेटेलाइट 2B जिसको लॉन्च करा था इसरो ने 2019 में, एंड इसके लिए रॉकेट इस्तेमाल करा था PSLV-C-46 को। CARTOSAT-3 ये एक एडवांस इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जिसको डेवलप करा है इसरो ने, एंड इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो IIT ने पिछले 2021 एंड 2022 में क्या क्या डेवलप किए हैं उसको देखते हैं। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने
माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्निफर को डेवलप किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई ने। तो नैनो स्निफर ये दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड ईटीडी यानी कि एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है जिसको डेवलप करा है नैनो स्निफ ने। और नैनो स्निफ ये आईआईटी मुंबई का स्टार्टअप है। नैनो स्निफर ये 10 सेकेंड के अंदर ही किसी भी एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक को डिटेक्ट कर सकता है। एंड इसको लॉन्च करा था उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में इंस्टॉल किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की में। तो परम गंगा ये मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है, इसको इंस्टॉल किया गया है आईआईटी रुड़की में जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसको डेवलप कराया है सी डेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और इस मिशन को लॉन्च करा गया था 2015 में। उसके बाद अगर रिवीजन की बात करें तो परम परवेगा इसको लॉन्च करा था यानी कि इंस्टॉल किया गया था आईआईएससी बेंगलुरु में। एंड परम शक्ति को लॉन्च करा गया था आईआईटी खड़गपुर में। अगर दुनिया के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसका नाम है फुगाकू, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। इंडिया के दो सुपर कंप्यूटर है जो टॉप 500 में शामिल है। पहला है परम सिद्धि AI, इसकी रैंक है 63। एंड दूसरा है मिहिर, इसकी रैंक है 146। अगला क्वेश्चन है सौराजबिलिटी जॉब पोर्टल किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद ने। तो सौराजबिलिटी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड जॉब पोर्टल है फॉर डिसेबल्ड पीपल, इसको लॉन्च करा है आईआईटी हैदराबाद ने। और इस प्रोजेक्ट को फंड करा है कोटक महिंद्रा बैंक ने। एंड दिस पोर्टल विल हेल्प डिसेबल्ड पीपल टू एक्वायर स्किल एंड फाइंड जॉब, यानी कि यह पोर्टल विकलांग लोगों को कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी ने ई सोर्स नाम का एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस को विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास ने। तो ई सोर्स ये एक इनोवेटिव मॉडल है टू टेकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि ई वेस्ट, इसको डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीएम मोदी ने किस संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च की है। रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री एट विच इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण यानी कि ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए किसके साथ यानी कि किस इंस्टीट्यूट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर के साथ। तो NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। इसकी हेडक्वार्टर हैदराबाद में और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन के स्टडी के लिए किस इंस्टीट्यूट ने एक सेंटर को सेटअप किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास ने। तो इस सेंटर का नाम है सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर, इसको लॉन्च करा है आईआईटी मद्रास ने। एंड दिस सेंटर विल फोकस ऑन हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ होल ह्यूमन ब्रेन। तो ये पूरे जो ह्यूमन ब्रेन है उसके हाई रिजोल्यूशन इमेज पर फोकस करेगा। और इसका एम है टू मैप ह्यूमन ब्रेन एट सेलुलर एंड कनेक्टिविटी लेवल्स। आईआईटी से रिलेटेड कुछ वल्नरेबल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किसान मोबाइल एप्लीकेशन, इसको फार्मर्स के लिए लॉन्च करा था आईआईटी रुड़की ने। क्यूसिम ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट है जिसको डेवलप करा है आईआईटी रुड़की, सी डेक एंड आईआईएससी बेंगलोर ने। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 इसको रिलीज करा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने। इसमें मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैटेगरी में टॉप करा है आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पे आईआईटी मुंबई एंड तीसरे में है आईआईटी दिल्ली। इंडिया के बाहर पहला आईआईटी सेटअप किया जाएगा यूएई में। पीएम मोदी ने श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन करा था आईआईटी खड़गपुर में।
हाल ही में न्यू ओरल कैंसर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है IIT खड़गपुर ने। प्रोजेक्ट उड़ान ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको लॉन्च करा था IIT बॉम्बे ने। और ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकता है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड ऑल अदर इंडियन लैंग्वेजेस। मिसलेनियस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर यानी कि मून पर अब तक का पहला 4G नेटवर्क किस स्पेस एजेंसी के द्वारा सेटअप किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नासा के द्वारा। तो फर्स्ट 4G नेटवर्क ऑन मून इसको सेटअप किया जाएगा नासा के द्वारा, और इसको सेटअप किया जाएगा नासा के आर्टिमिस मिशन के लिए जो कि एक लूनर मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। इसके लिए नासा ने सेलेक्ट करा है नोकिया को टू बिल्ड 4G नेटवर्क ऑन मून, और इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे दिल्ली बॉर्न निशंत बत्रा जो कि एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है नोकिया का। ने हाल ही में चर्चा में रहे INS वक्सीर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है। तो INS वक्सीर ये एक स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है और इसको 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था, और इसको बनाया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो कि मुंबई में स्थित है विथ फ्रेंच कोलाबोरेशन। तो प्रोजेक्ट 75 इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स मिलेंगे, और ये जो पनडुब्बी यानी कि सबमरीन्स है, 6 सबमरीन्स, इसके स्टेटस को जान लेते हैं। तो पहला है INS कलवरी, दूसरा है INS खंदेरी, तीसरा है INS क्रंच एंड चौथा है INS वेला। तो इन चारों को कमीशन यानी कि चालू कर दिया गया है, जबकि INS वगीर एंड INS वक्सीर ये सी ट्रायल्स में है। अगला क्वेश्चन है, द विंसी प्लस एन वेरिटास निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नासा का। द विंसी प्लस एन वेरिटास ये दो नया मिशन है नासा का जिसको लॉन्च किया जाएगा वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह के लिए 2028 से 30 के बीच। द विंसी प्लस ये जो मिशन है ये वीनस के कंपोजिशन को समझने में मदद करेगा, जबकि वेरिटास ये जो वीनस प्लैनेट है वो हमारे अर्थ से किस तरह अलग है और ये कैसे डेवलप हुआ है इसको समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह ये अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन है तो अर्थ का, वो है वीनस प्लैनेट। ठीक है, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये अर्थ का ट्विन प्लैनेट है एंड ये सबसे ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी पहली बार सोलर एटमॉस्फेयर यानी कि सौर वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नासा ने। तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब ये पहली बार सोलर एटमॉस्फेयर के कोरोना में इंटर करा है। ठीक है, तो कोरोना ये आउटर मोस्ट पार्ट है सोलर एटमॉस्फेयर का, ठीक है, जो कि हॉट प्लाज्मा का लेयर है। ठीक है, तो पार्कर सोलर प्रोब इसको लॉन्च किया गया था 2018 में टू एक्सप्लोर द मिस्टेरीज ऑफ सन। तो यहाँ पे सन है, ये सन का कोर है और ये आउटर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे पहुँचने वाला पहला अंतरिक्ष एजेंसी बना है नासा, नासा का पार्कर सोलर प्रोब। क्वेश्चन है, चर्चा में रहे A76 निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ये एक आइसबर्ग यानी कि हिमशैल है। तो A76 ये दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग है और रिसेंटली ये रोन आइस शेल्फ से कटकर अलग हुआ है। ठीक है, और ये किस सी में फ्लोटिंग कर रहा है? तो वेडल सी में, जो कि सदर्न ओशन में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे रोन आइस शेल्फ है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है और इससे कटकर अलग हुआ है A76 जो कि दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग है, और ये किस में फ्लोटिंग कर रहा है? तो वेडल सी में। तो आप यहाँ पे अंटार्कटिका देख सकते हैं मैप में, और यहाँ पे है क्या कहते हैं इसको, रोन आइस शेल्फ, और इससे कटकर अलग हुआ है आपका A76 जो कि दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग है, और यहाँ पे है वेडल सी। अगला क्वेश्चन है, कोवी सेल्फ नाम का एक COVID-19 टेस्ट किट किसने डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने। कोवी सेल्फ ये इंडिया का पहला होम बेस्ड सेल्फ यूज COVID-19 टेस्ट किट है जिसको डेवलप करा है पुणे बेस्ड लैब जिसका नाम है माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने।
चाइना का पहला मार्स रोवर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झुरोंग। तो तियानवेन वन स्पेस प्रोब यानी कि अंतरिक्ष यान ये मार्स पे पहुंचा था विद झुरोंग और झुरोंग रोवर, और ये चाइना ये तीसरा कंट्री बना है पूरे दुनिया में जिन्होंने रोबोट रोवर को भेजा है मार्स में आफ्टर सोवियत यूनियन एंड यूएसए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने भारत की पहली डिजिटल वाटर डेटा बैंक को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर्नाटका ने। तो एक्वेरियम इसका नाम है जो कि इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। इसका उद्घाटन कर्नाटका के बेंगलोर में किया गया है और इसका एम है टू इन्हांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हैदराबाद में। तो माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट डाटा सेंटर इसको सेटअप किया जाएगा हैदराबाद में इन कोलाब्रेशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट। इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 15,000 करोड़ का। तो माइक्रोसॉफ्ट इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में एंड सीईओ है सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बीएआरसी के साथ। फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बीपीसीएल एंड बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने आपस में साझेदारी की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो ये कैसे बनते हैं? तो H2O यानी कि वाटर, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना ये रिन्यूएबल एनर्जी का होना चाहिए, तब जाके जो हाइड्रोजन बनते हैं उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का क्या यूज़ है? तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे कि डीजल एंड केरोसिन। इसको फ्यूल सेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है टू जनरेट पावर। बी सेंचुरी ग्रह यानी कि प्लैनेट की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिली के साइंटिस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूसरा मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को लॉन्च करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ईरान ने। तो ईरान आपको मैप में यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है तेहरान और प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान को यूएई एंड ओमान से अलग करता है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे है अरबेन सी। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन वर्ल्ड लाइनर के रूप में देख लेते हैं। तो पहला है प्रस्थान, ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट करा था वेस्टर्न नेवल कमांड ने। तो यहाँ पे वेस्टर्न नेवल कमांड है जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में, यहाँ पे ईस्टर्न नेवल कमांड है इसकी हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे सदर्न नेवल कमांड इसके हेडक्वार्टर है कोची में। दूसरा है धवन वन, ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट है जिसको डेवलप करा है स्काई रूट एरो स्पेस ने। जीरकोन यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण करा है रसिया ने। इंडिया ने रिसेंटली 12वां P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्राप्त करा है, कहाँ से? तो USA से, जिसको मैन्युफैक्चर करा है बोइंग ने। INS विक्रांत यह इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। यूनिकॉर्न यह अब तक का स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है जिसको डिस्कवर करा है एस्ट्रोनॉमर्स ने। मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इसको कंडक्ट करा है नाटो मेंबर्स ने, कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो नॉर्वे में। हंस एनजी यानी कि न्यू जनरेशन यह इंडिया का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर है जिसको डेवलप करा है CSIRNAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैब ने। चंद्रयान 2 पहली बार आर्गन 40 गैस को डिटेक्ट करा है मून के एटमॉस्फेयर में। सी डोम यह नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। नेपचून स्ट्राइक 2022 मेरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करा है नाटो मेंबर्स ने। वासोंग 12 ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप कराया है नॉर्थ कोरिया ने। साइकी मिशन, इस मिशन के तहत साइकी एस्ट्रॉयड को स्टडी किया जाएगा जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में स्थित है, और इसको लॉन्च किया गया है मतलब लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा, ठीक है। एक्सरे मिशन इसको लॉन्च किया है नासा ने
और ये मिस्टेरियस ऑब्जेक्ट को जो यूनिवर्स में है उसको स्टडी करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन ओरिजिन अनिल मेनन, इसको सेलेक्ट किया गया है नासा के स्पेस मिशन के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है गुआंगमू, ये अर्थ साइंस सेटेलाइट है जिसको लॉन्च करा है चाइना ने। डार्ट मिशन, डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये किसी भी एस्ट्रॉयड को हीट करके उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, इस तरह जो एस्ट्रॉयड हमारे अर्थ में गिरते हैं तो उससे बच सकते हैं, ठीक है। और इसको लॉन्च करा है नासा ने। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको 2031 तक रिटायर कर दिया जाएगा एंड इसके अनाउंसमेंट करी है नासा ने। अंगारा A5, इसको लॉन्च करा है रसिया ने, ये एक लॉन्च व्हीकल है। जेम्स वेब, ये दुनिया का लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च करा है नासा ने। सी ड्रैगन 2022, ये एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर यानी कि ASW है, और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो USA के गुआम में। एंड इसमें क्वाड ग्रुप जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान शामिल है, ये पार्टिसिपेट किए थे। और इसके अलावा कनाडा एंड साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट किया था। लूसी मिशन, ये एक स्पेस मिशन है जिसको लॉन्च कराया नासा ने टू स्टडी ट्रोजन एस्ट्रॉयड, तो ट्रोजन एस्ट्रॉयड ये जुपिटर में स्थित है, इसका स्टडी करने के लिए नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन है यूटेलसेट क्वांटम, ये दुनिया का पहला कमर्शियली रीयूजेबल सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करा है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। गजनवी मिसाइल, इसको लॉन्च करा है पाकिस्तान ने। मैगलेप ट्रेन, मैगलेप का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि जो पटरी है ये पटरी के ऊपर चलने वाला ट्रेन है, ठीक है, यानी कि ये पटरी से टच नहीं होता है, ओके। तो इस ट्रेन को, ये जो कि दुनिया का फास्टेस्ट ट्रेन है, इसको अनवील करा है चाइना ने। सीमोर्ग, ये ईरान का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, इंडिया 3 हेलीकॉप्टर ऐसा मतलब खरीदेंगे USA से, ठीक है। श्रीसा बांदला, ये थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो स्पेस में जाएंगे, ठीक है, आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम, ठीक है। अगला है प्राण, स्वास्थ्य एंड वायु, ये तीन तरह का मतलब तीन अलग अलग तरह का वेंटिलेटर्स है जिसको डेवलप करा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। वाइपर, ये एक रोबोटिक लूनर यानी कि मून रोवर है जिसको डेवलप करा है नासा ने और इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। परसिवरेंस, ये नासा का रोवर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्रोनोमर्स ने पहली बार एक्स रे को डिटेक्ट करा है यूरेनस प्लैनेट से। इनविजन मिशन, ये इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2030 में, ये एक वीनस यानी कि शुक्र मिशन है। साहिन A1, ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण करा था पाकिस्तान ने। MSES-1407, ये न्यू वेराइटी है सोयाबीन का जिसको डेवलप करा है इंडियन रिसर्चर्स ने। वांग यापिंग, ये फर्स्ट चाइनीज वुमेन है जो स्पेस में गई थी, ठीक है, और ये किस मिशन के तहत गया था, तो सेंझो 13 के मिशन के तहत, ठीक है। तो 2022 के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड स्पेस के करंट अफेयर हैं, इसका अलग से वीडियो बनाया जा चुका है और हम इसको सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है उसको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को $374 मिलियन का पहला ब्राह्मोस ऑर्डर किस देश से मिला है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फिलीपींस है। तो इसको हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका अलग से वीडियो बना हुआ है। भारत द्वारा विकसित ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली यानी कि TCAS का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कवच। अगला क्वेश्चन है, 100 भारतीय स्टार्टअप्स की मदद के लिए किसने मैट स्टार्टअप हब के साथ साझेदारी की है, हु हैज़ पार्टनर विद मैट स्टार्टअप हब टू हेल्प 100 इंडियन स्टार्टअप्स, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गूगल ने, ठीक है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने GOEST सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नासा ने।
अगला क्वेश्चन है, नासा किस वर्ष तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2031 तक। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित है, जिसको लॉन्च किया गया था 1998 में। इसमें 5 स्पेस एजेंसी शामिल है। पहला है नासा यूएसए का, दूसरा है जाक्सा जापान का, रोसकोस्मोस रसिया का, CSA कनाडा का एंड ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का। दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त COVID-19 वैक्सीन को किस देश ने उपयोग करने की मंजूरी दी है? वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डेराइव्ड COVID-19 वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड टू यूज़ बाय विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कनाडा। तो कनाडा ने इसको डेवलप करा है। INS वगैरह निम्नलिखित में से क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ये एक सबमरीन है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केरला में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे WASP-103b निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्लैनेट यानी कि ग्रह है, और ये आलू के सेप यानी कि पोटेटो के सेप का है, ठीक है। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निफ्ट ने, ठीक है। तो निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। पहली बार किस देश के सर्जनों ने सुअरों का हृदय मानव रोगी में प्रतिरोपित किया है? इन अ फर्स्ट विच कंट्री सर्जन ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन पेशेंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी USA ने।